हाय गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्टिव पैसिव के एक और नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस के, एक्टिव और पैसिव के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल वे में आज हम इसको सीखेंगे। इसके पहले भी हमने कई सारे टेंस के, जैसे कि पास्ट के और प्रेजेंट के भी सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव बना है। तो बहुत ही सिंपल रूल है, कुछ नहीं, आपको ऑब्जेक्ट देखना है, उसी के हिसाब से इसको पैसिव बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आई होप यू विल लर्न बेटर एक्टिव एंड पैसिव। तो विदाउट एनी लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव, सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग पार्ट भी देखते हैं। अगर एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव की हेल्पिंग पार्ट होती है विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहेगा आपका एक्टिव का रूल। एक्टिव इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। पैसिव का रूल क्या होगा? विल रहेगा, विल हैव, इसके बाद आपको यहाँ पे ये पैसिव है, विल हैव बीन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहेगा आपका पैसिव का रूल। विल हैव एक्टिव का है, विल हैव भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी उसमें रहती है। अच्छे से समझते हैं, रूल्स देखते हैं, इसके बाद हम इसको बनाकर देखेंगे। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है उसको बता चुका होगा, क्या है उसको बता चुका होगा। इसके पहले हम एक्टिव भी पढ़ चुके हैं, इसकी पहचान करने के लिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। तो इसी के माध्यम से इसको बनाएंगे, क्या है उसको बता चुका होगा, क्या है उसको बता चुका होगा। तो उसकी बात कर रहे हैं, उसको तो उसको ऑब्जेक्ट होगा आपका, तो इसका भी पैसे बात ही बनाना है। तो क्या उसको बताया जा चुका होगा, क्या उसको बताया जा चुका होगा, क्या वह उसको बता चुका होगा, क्या उसको बताया जा चुका होगा। तो इस तरह इसका हिंदी में बना देंगे, इंग्लिश में बना के देखते हैं इसका, क्या वह उसको बता चुका होगा। तो विल ही हैव, बताने को बोलते हैं टेन, टेन की बात को मकी पे बोलते हैं। विल ही टोल्ड हिम, क्या उसे, क्या वह उसे बता चुका होगा। विल ही हैव टोल्ड हिम, क्या उसको बताया चुका। तो हिम मतलब इसका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का जब हम ऐसे बनाते हैं तो नाउन बना के बनाते हैं, प्रोनाउन एक्टिव में है, अगर इसको पैसिव में बनाना है तो नाउन बनाना है। हिम का नाम क्या होता है, तो विल लगाना ही आपको क्योंकि क्वेश्चन बनाना। Will he have been told, क्या उसको बताया जा चुका होगा। Will he have been told, क्या उसको बताया जा चुका होगा। तो क्या उसको, क्या उसे बताया जा, क्या आप उसे, क्या आप उसे बता चुके होंगे, क्या उसको बता चुका होगा। ठीक है, क्या उसको बता चुका हो, तो वह उसको बता चुका हो, वह उसको बता चुका हुआ का प्लस्ट, वह उसको बता चुका होगा, क्या वह उसको बता चुका होगा, वह उसको बता चुका होगा, क्या उसको बताया जा चुका होगा। यहाँ पर बना हुआ क्या उसको बताया जा चुका होगा, तो उसको बताया जा चुका होगा, उसको बताया जा चुका होगा, वह उसको बता चुका होगा, तो ही will have
टोल्ड हिम, मैं उसको बता चुका, उसको बताया जा चुका होगा, तो ही विल हैव बीन टोल्ड, उसको बताया जा चुका होगा, उसको बताया जा चुका होगा, ही विल हैव बीन टोल्ड, उसे बताया जा चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वे कार सुधार चुके होंगे, सुधार चुके होंगे, क्या कारें सुधारी, क्या कारें सुधर चुकी होंगी, क्या कारें सुधर चुकी होंगी, क्या वे कार सुधार चुके होंगे, तो विल दे हैव, will they have repaired cars, will they have repaired cars, क्या कार सुधर चुकी होगी, क्या कार सुधर चुकी होगी, will cars have been repaired, क्या कारें सुधर चुकी होगी, क्या वे कारें सुधार चुके होंगे, देखो यहाँ पे है क्या वे कार सुधार चुके होंगे, तो यहाँ पे वे कार सुधार चुके होंगे होंगे, तो यहाँ पे कारें सुधर चुकी होगी, कारें सुधर चुकी, वे कार सुधार चुके होंगे, तो दे कारें सुधर चुकी होंगी। लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्या सर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे, तो विल सर हैव टॉट स्टूडेंट्स, विल सर हैव टॉट स्टूडेंट्स, क्या सर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे, क्या स्टूडेंटों को पढ़ाया जा चुका होगा, तो विल स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स को पढ़ा, विल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, विल स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, क्या स्टूडेंट को पढ़ाया जा चुका होगा, तो सर स्टूडेंट को, क्या सर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे, तो सर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे, तो सर HOUGHT, विल सर विल हैव टॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट, HOUGHT, स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका होगा। सो सर फ्रेंड्स, इस तरह हम इसका सैम्पल सेंटेंस बनाते हैं, ये आपका रूल रहेंगे, आपका रूल है ये रूल है, ये रूल है ये, इसके रूल के माध्यम से आप इसको सेंटेंसेस बना बना के देखिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, काफ़ी ईजी है, एक बार आप ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेंगे तो कोई सा सेंटेंस बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ला कर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर से बनाते हैं, तो बहुत ही सिंपल रूल है, आप कर करके देखिए, ईजीली आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।